तो फिर से फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल क्रिएट करते हैं तो कभी कभी हमें उसकी पर्टिकुलर लाइन हटाने की जरूरत पड़ती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है इरेजर का, जिसको यूज करके आप टेबल की किसी भी पर्टिकुलर लाइन को हटा सकते हैं। ठीक है, ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इरेजर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इरेजर यूज करने के लिए आपको ऊपर के रिबन में जाना होगा डिजाइन में। तो ये देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहां पर देखिए लास्ट में ऑप्शन यहाँ है लेआउट से जस्ट पहले डिजाइन का, ये दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब डिजाइन में जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। हमें जाना है सबसे लास्ट में, ये देखिए इरेजर दिख रहा है। तो जब आप इस पर ले जाएंगे, कर्सर में ले जाएंगे, तो ये देखिए शो भी कर रहा है टेबल इरेजर। ठीक है, इरेज द बॉर्डर ऑफ अ टेबल, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक रबड़ जैसा साइन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप जिस पर्टिकुलर लाइन को हटाना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर दीजिए और ये लाइन वहां से हट जाएगी, जिसको भी हटाना चाहते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, तो है ना बहुत कमाल का इरेजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।